हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो आपको मैं इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरे 6 पीस हैं जो 4-4 इंच के हैं, और ये मेरे 2 पीस हैं जो 4-4 इंच के हैं, और ये मेरे 8 पीस हैं जो 4-4 इंच के हैं, ये मेरे 4 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, और ये मेरे 4 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, और ये मेरा सिर्फ 1 पीस है जो 3-3 इंच का है। तो मैंने आपको इनका नाप बता दिया है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इनको सिलना बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे ये पीस हैं हम इनको थोड़ा साइड में करते हैं, और हम पहले ले लेते हैं इन बड़े पीसों को। तो जैसे कि ये मेरे 8 पीस हैं, तो इनको हम लगा लेते हैं। ये हमें बीच में से सिलना है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं इन सारे पीसों को फैला लेती हूँ। ये देखिए, ये हम एक एक पीस इनके ऊपर रख लेते हैं, ताकि हमें जो डबल शेड का पीस चाहिए हमें फ्रेंड्स, वो हमें मिल सके। तो ये हो गया फ्रेंड्स, हम इसमें बीच में लाइन लगाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ लाइन लगाना, तो ऐसे ही हम लाइन लगाएंगे। ये देखिए, ये हो गया, और ये 2 पीस हमारे इस पर आ गए। तो अब मैं आपको लाइन लगा के ना बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैंने या तो चौक ले लिया, और ये हमारा फुट्टा आ गया। तो ये देखिए स्केल की मदद से, हम बिल्कुल कोने से कोने तक लाइन लगाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से, और हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए, तो हमने मार्जिन के लिए भी लगा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो अब हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड से सिलना है, बीच में से हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमारे 2 पीस तैयार हो जाएंगे डबल शेड के। तो ऐसे ही मैं सब में लाइन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पीसों में स्केल की मदद से लाइन लगा ली है, अब मैं इनको सिल लेती हूँ। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सारे पीस सिल गए हैं, अब मैं आपको इसमें बीच में से कट करना बता रही हूँ। तो देखिए, हम एक बीच में से इसको कट कर रहे हैं, जो हमने बीच में लाइन लगाई थी उसी से ही हम कट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे डबल शेड का पीस तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हम ये सारे कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस सिल गए हैं, मैंने इनको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है, जिससे कि ये सारे अच्छी तरीके से इसकी सिलवट वगैरह ख़त्म हो गई है, बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गया है पीस। अब क्या करेंगे, अब हम इनको 3 इंच नापना है। तो मैंने 3 इंच का बोर्ड ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से कोने से कोना मिला होना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम इसको कट करेंगे, तो पहले निशान लगा लेते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। इधर से ब्लैक है तो थोड़ा दिखने में परेशानी हो सकती थी, इसलिए हमने चौक का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे पीसों को इस तरीके से कर लेते हैं, नाप लेते हैं, और फिर उसके बाद 3 इंच कट कर लेते हैं। तो मैं सारे पीस कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस सारे कट कर लिए हैं, जो मेरा एक्स्ट्रा था
अब मैं इसका डिज़ाइन सेट करके दिखाऊंगी फ्रेंड। तो मैं इसका डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। तो देखिए, अब हम इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सिलेंगे। तो हम एक एक लाइन लेके सिल लेते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप चाहो तो चार चार टुकड़े करके सिल सकते हैं। तो मैं पूरी लाइन एक साथ सिल रही हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे हम बारी बारी एक एक, एक लाइन सिल लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारा पीस ऊपर है, इसको रखेंगे इस तरीके से, यहाँ सिल देंगे। फिर इसको भी ऐसे रखेंगे, यहाँ सिलेंगे। फिर इसको भी यहाँ रखेंगे, ऐसे सिलेंगे। और लास्ट का पीस भी इसी तरीके से रख के यहाँ सिल के पलट देंगे। तो ऐसे ही हम अपनी ये पांचों लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पांचों लाइन हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीस को लेंगे, ऐसे पलटेंगे इस तरीके से, और जितने भी हमारे जोड़ हैं इसमें हम इस तरीके से, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक पीस को इधर करेंगे, दूसरे को इधर करेंगे, और यहाँ पिन अप कर देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ सारे जोड़ों पे पिन लगा लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से सिलेंगे। तो जब हमारा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले मैं आपको यही दिखाती हूँ सिलकर, फिर बाकी के सिलूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पिन लगा ली है, और एक डायरेक्शन में हमने ये सारे इस तरफ कर लिए हैं जोड़, और दूसरे के इस डायरेक्शन में। तो हमें ऐसे ही पिन लगानी है, बिल्कुल सिलाई से सिलाई के ऊपर बिल्कुल, तब हम सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस सिल गया है, और बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिले हुए आए हैं फ्रेंड्स। पिन लगाने का यही रीज़न है फ्रेंड्स, कि हमारे जोड़ पे सिलाई बिल्कुल सही हिसाब से बैठे। तो अब हम ऐसे ही, ये हमारा हो गया, अब हम इसी को इस पर पलटेंगे इस तरीके से, और फिर से हम जॉइंट पे वो लगाएंगे, पिन लगाएंगे, और डायरेक्शन देखेंगे। पहले का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम सारे पीस जिस डायरेक्शन में हैं हम उसी डायरेक्शन में रखेंगे फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पिन लगा लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे ही हम बारी बारी करके हम अपने सारे पीस इस तरीके से ही सिलेंगे। जब ये पीस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम इसको रख के सिलेंगे जोड़ से जोड़ मिला के, और फिर लास्ट में इसको भी ऐसे ही रखेंगे जोड़ से जोड़ मिला के, यहाँ से सिल देंगे। तो हम इसको सारे पीसों को सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस डिज़ाइन का पिल्लो कवर बनाइए, बहुत खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। जब आप इसको बनाएं तो इसके चारों तरफ मैचिंग की पट्टी लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चाहे आप इसका पिल्लो कवर बनाएं, चाहे कुशन कवर, चाहे पर्दे, या कुछ भी, आप कुछ भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, या बच्चे की बेडशीट के लिए। तो आप भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।